वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप्स अपने वेकेशन इन्जॉय किया बहुत अच्छे से। सब लोग घर के अंदर ही थे, बिना मतलब के बाहर नहीं निकले थे। आज फिर से हम आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। वेकेशन ख़त्म हो गया है, हमने वेकेशन से पहले चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो मुझे आपको कल ही भेज देना था, लेकिन 3 बार यूट्यूब में अपलोड करने के बाद भी पता नहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अपलोड नहीं हो पाया, इसलिए आज सुबह वापस से ट्राई करी मैंने और ये सक्सेस हो गया। तो चैप्टर 2 बच्चों हमारा है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, राइट? ये हमारे चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। तो पहले मैं आपके इन दो शब्द का मतलब बता देता हूँ। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज़ गेटिंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जैसे कि हमें एक गाँव से दूसरे गाँव जाना हो, एक सिटी से दूसरे सिटी जाना हो, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, मतलब कि बस यूज़ करते हैं, राइट? तो वो हमने क्या किया, हमने ट्रांसपोर्टेशन किया। हम हमारे घर पर थे एक शहर में, हम दूसरे शहर में पहुँच गए। और एक्सक्रीशन का मतलब होता है हमारी बॉडी में से वेस्ट निकालना। आप सुबह जाते हो यूरिन करने के लिए, वॉशरूम जाते हो, राइट? आपके बॉडी में से पसीना निकलता है, आप सांस बाहर निकालते हो, ये सब क्या है, हमारे बॉडी में से कचरा निकल रहा है, दिस इज़ ऑल वेस्ट। आप सुबह आप शाम को खाना खाते हो, फिर सुबह आप वॉशरूम जाते हो, है ना? तो वो भी क्या है, आपकी बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड है। तो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन। अब हम इस चैप्टर में दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक हमारा ब्लड, एक है हमारी किडनी। हमने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि ब्लड जो है वो क्या करता है, सारे बॉडी में खाने को पहुंचाता है, राइट? फर्स्ट चैप्टर में हमने इतना देखा था कि ब्लड जो है भाई वो ऑक्सीजन पिक करेगा लंग्स में से और खाने के साथ मिक्स होकर एनर्जी बनाएगा, वाटर वेपर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ये हमने देखा था। अब हम थोड़ा डीप में चलते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो पहला तो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? पहला कौन सा है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस दो चीज़ों से बना है, एक होता है हार्ट और एक होता है ब्लड वेसल्स। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक हार्ट है और एक ब्लड वेसल्स है, राइट? हम दोनों टॉपिक को कवर करेंगे, ये रहा हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो पहले हार्ट की बात करते हैं। तो हार्ट कहाँ होता है, ये आपका हार्ट है, ये आपको फिगर में कहाँ दिख रहा है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो कि ये यहाँ पर है दो लंग्स के बीच में, राइट? ये आपका एक लंग हो गया, ये आपका दूसरा लंग हो गया। लंग्स मतलब फेफड़े हमारे, जिसके अंदर हम सांस भरते हैं, उनके बीच की जगह में क्या है, हार्ट होता है, राइट? ये थोड़ा लेफ्ट साइड होता है, एक बैग तरह होता है, पाउच जैसा होता है, पूरा का पूरा मसल्स का बना है, ठीक है? हार्ट के अंदर कोई भी बोन्स होते नहीं है, पूरा मसल्स का है, एकदम बैग, सॉफ्ट बैग जो होता है, पाउच ऐसा होता है। अब हमारे हार्ट बीट की वजह क्या है, राइट? तो हमारा हार्ट दो प्रोसेस करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट और एक रिलैक्स। देखो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड भी है और रिलैक्स वर्ड भी है। अब आप सब घर पे बैठे हो, एक काम करो, अपनी मुट्ठी बंद करो, अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर दो, ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन हो गया, मतलब बंद। अब उसको धीरे से खोलो, तो अपनी मुट्ठी खोल दी, वो कौन सी पोजीशन हो गई, रिलैक्स। तो जब आपने मुट्ठी बंद की थी तो क्या उसमें कुछ आ सकता था आपके हाथ के अंदर, आपने आपके हाथ के अंदर कोई कुछ रख सकता था, नहीं रख सकता था, क्योंकि आपने वो मुट्ठी बंद कर दी थी। अगर आपके मुट्ठी के अंदर कुछ होता भी तो वो भी वो बाहर निकल जाता है ना। आपके हाथ में मान लो कि आपने रेत भरी है या फिर और कुछ चीज़ें हैं और आपने एकदम से अपनी मुट्ठी बंद कर दी, तो आपके मुट्ठी के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी नीचे गिर जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही आप मुट्ठी खोलोगे तो जगह बढ़ जाएगी, फिर अपनी हथेली पे आप कुछ रख पाओगे, दैट इज़ कॉल्ड रिलैक्स। हमारे हार्ट में भी यही होता है, हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो आपने मुट्ठी बंद की, वैसे हार्ट जब बंद होता है, एकदम दब जाता है, तब उसके अंदर का सारा ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है। वो कहाँ जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। और जब वापस से रिलैक्स होता है तो वो खुल जाता है, तो बाकी वापस से आजू बाजू से पूरा ब्लड जो है वो कहाँ अंदर आ जाता है, हार्ट के अंदर भर जाता है। तो दिस इज़ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की, हमारा जो दूसरा टॉपिक है ब्लड वेसल्स की। ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है ये हमने पढ़ा, अब ये क्यों होता है और उससे क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ये ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल्स क्या होता है, तो आप सबके घर में नल है,
पानी का, आप नल चालू करते हो पानी निकलता है ना। तो अब आप, मैं आपको पूछूं कि बेटा पानी कहाँ से आया नल में, तो आप क्या बोलोगे? सर जिस नल, जिस पाइपलाइन के साथ फिक्स है उस पाइपलाइन में से आ रहा है। सही बात है, कोई कुछ गलत नहीं है इसमें। ऑब्वियसली जिस पाइप के साथ नल जुड़ा है उसी में से पानी आएगा। अब हमारी बॉडी में ये अप्लाई करो, हमारी बॉडी में कहीं पर भी चोट लगे, कहीं पर भी चोट लगे, सबसे पहले क्या निकलता है? खून निकलता है, राइट? आपके घर में भी जहाँ जहाँ नल होंगे वहाँ वहाँ पर पानी आएगा ही, नल होते इसलिए है, राइट? मतलब कि वो पाइप के साथ कनेक्टेड है, पाइपलाइन है तभी नल है। हमारी बॉडी में भी दो तरह की पाइपलाइंस होती है जिनमें खून ट्रैवल करता है, खून ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक का नाम है आर्टरीज, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ ARTERIES आर्टरीज, और दूसरे का नाम है वेंस। दो तरह की अलग अलग पाइपलाइंस होती है, ये दोनों का काम भी अलग अलग है। एक अच्छा खून लेके जाती है, एक ख़राब खून लेके जाती है। अब आप बोलोगे सर अच्छा खून क्या होता है, बुरा खून क्या होता है, तो वो हम इसके अंदर सब पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है, आर्टरीज अच्छा खून लेके आती है, वेंस गंदा खून लेके आती है। इन दोनों को गुजराती में हम एक ही शब्द से बोलते हैं, नस। आपके हाथ पे जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है नसें, वो ये ब्लड वेसल्स है, वो आपकी बॉडी की पाइपलाइंस है, राइट? हमारी बॉडी में ये हर जगह होती है, इसलिए तो मैंने बोला कि आपको कहीं पर भी चोट लगे आपको खून निकलेगा, क्योंकि वो पाइपलाइन वहाँ पर है, इसीलिए तो खून निकल रहा है। तो ये जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है वो वेन्स है, वो आर्टरीज नहीं है। आर्टरीज बहुत अंदर होती है शरीर के, वो ऐसे दिखती नहीं है। ये जो ब्लू कलर की दिख रही है ना आपको, वो सिर्फ वेन्स है, दो ब्लड वेसल में से आपको एक ही दिख रहा है, हमको आर्टरीज दिखती नहीं है, क्योंकि वो मोटी होती है और अच्छा खून लेके जाती है। अब यहाँ तक ख़त्म हो गया, समझ में आ गया हार्ट कहाँ होता है? लंग्स के बीच में होता है। हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना होता है ब्लड, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड निकल जाएगा, और जब रिलैक्स करेगा तो वापस से खून आ जाएगा। अब ये खून कहाँ निकल जाता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक में, राइट? ये वाले टॉपिक में। अब उसके बाद हमने ब्लड वेसल्स की बात की कि भाई हमारी बॉडी में पाइपलाइन फिट होती है, हर जगह पर ब्लड पहुँचाने का काम वेंस और आर्टरीज का होता है, राइट? वेंस जो है वो गंदा खून लेके जाती है, आर्टरी जो है वो अच्छा खून लेके आती है। अब ये गंदा और अच्छा खून कहाँ से लेके आती है, कहाँ लेके जाती है, वो भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे, राइट? तो आज इंट्रोडक्शन था, आपको ये हार्ट और लंग्स का याद रखना है, सॉरी हार्ट की जगह याद रखनी है दो लंग्स के बीच में। आपको ब्लड वेसल्स क्या होते हैं वो आपको याद रखना है। देखो आपको यहाँ पे पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स दिखाए गए हैं, देखो एक ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर ये वेंस ना हो। देखो आपकी उंगली तक आ रही है यहाँ पे, ये पैरों तक जा रही है, राइट? ये सर तक है यहाँ पे, ये यहाँ कंधे पर भी है, अंदर बॉडी के अंदर भी बहुत सारी वेंस है। तो ये हमारा पूरा क्या है? ब्लड वेसल सिस्टम है। ब्लड वेसल्स मतलब क्या? आर्टरीज और वेंस, जी आपकी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है ना। ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे चैप्टर का नाम है उसका पहला पार्ट यही है, ट्रांसपोर्टेशन। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो आप बस में जाओगे, तो अच्छा खून मान लो कि यहाँ पर है तो यहाँ से हाथ में पहुँचाने के लिए भी इसको नस से ही जाना पड़ेगा। मान लो कि गंदा खून यहाँ पर है तो यहाँ से हार्ट तक पहुँचाने में भी यही मदद करेगा। मतलब कि ये हमारे बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब कहाँ से क्या करता है और हार्ट का क्या रोल है वो हम इस बड़े ऐसे टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपको कल वापस एक नया वीडियो में मिल जाएगा जिसमें ये पूरा का पूरा हाउ ब्लड फ्लोस, हमारी बॉडी में खून बहता कैसा है वो भी पता चल जाएगा, और हमारी हार्ट बीट जो आप धक 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 सुनते हो वो भी किसकी वजह से होता है आपको पता चल जाएगा, राइट? तो यहीं पर आपका वीडियो ख़त्म करते हैं, अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, राइट? अब रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट हो गई है तो वीडियोस देखते रहना, अगर होमवर्क है तो होमवर्क भी करते रहना, राइट? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बेटा टेक केयर एंड गुड बाय।